हेलो गाइस, तपती धूप और गर्मी के बाद हर किसी को बारिश का इंतजार रहता है, लेकिन ये बारिश अपने साथ साथ कई सारी बीमारियों को भी लेकर आती है, जैसे खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार और ढेर सारे इन्फेक्शंस भी बारिश में ही स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी वजह है हमारी कमजोर इम्यूनिटी, लेकिन अगर हम अपनी डाइट पर ध्यान दें तो इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। आप कुछ खास मौसमी फल और सब्जियों से अपनी डाइट को सीजन के हिसाब से बना सकते हैं और मॉनसून में होने वाली इन बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम ऐसे ही 7 फल और सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बना देंगे और बीमारियों से भी हमें बचाने में कारगर साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप रोज़ाना एक सेब खाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कोशिश करें कि सेब सुबह ही खा लें। सेब में भरपूर मात्रा में डाइट्री फाइबर्स पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया को सही रखने में मददगार होते हैं। बारिश के मौसम में सेब खाने से पाचन तंत्र सही रहता है। अनार, अनार बारिश के मौसम के फलों में सबसे अच्छे साबित हो सकता है। अनार में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाने का काम करते हैं। अनार से हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं तेजी से बढ़ती है। अनार वैसे तो सभी सीजन का फल है, लेकिन बारिश में ये और भी फायदा करता है। लीची, बारिश के मौसम में लीची भी खूब आती है। लीची खाना पचाने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा लीची खाने के हमारे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। लीची में एंटीवायरल भी गुण भी होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को भी सही रखती है। वैसे तो लीची ज़्यादातर लोगों को पसंद होती है, लेकिन अगर आप लीची नहीं खाते तो इसे आज से ही अपनी मानसून डाइट में ज़रूर शामिल करें। आलू बुखारा, बारिश के मौसम में आलू बुखारा यानी प्लम भी खूब आते हैं। ये फल विटामिन सी से भरपूर होता है। आलू बुखारा में मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इस फल में कैलोरी बहुत कम होती है। बारिश के मौसम में आलू बुखारा आपके लिए एक फ़ायदेमंद फल है। आलू बुखारा न केवल इम्यूनिटी बढ़ाता है बल्कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। इसलिए आप बारिश के मौसम में आलू बुखारा को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। करेला, बहुत से लोग कड़वा होने की वजह से करेला नहीं खाते, लेकिन करेला बारिश के मौसम की सब्जी है। इसके अलावा करेला में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कब्ज, अल्सर और मलेरिया जैसी बीमारियों में फायदा करता है। डायबिटीज़ के मरीजों को भी करेला खाने की सलाह दी जाती है, इसलिए हफ्ते में 2-3 दिन करेला जरूर खाएं। नींबू, वैसे तो नींबू सभी सीजन में खाना फायदेमंद होता है, लेकिन बारिश के मौसम में नींबू खाने से आपको भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है जिससे हम बीमारियों से बचे रहते हैं। चुकंदर, मानसून में चुकंदर पाचन क्रिया को बढ़ाता है। चुकंदर खाने से वजन भी बढ़ता है और ये आपके बालों और रंग के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इसलिए सलाद में या खाने में किसी तरह से चुकंदर जरूर शामिल करें। आज के अंत में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे कि हमारी